बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अजीज अहले वतनों, अस्सलाम अलैकुम। पाकिस्तान की सियासी तारीख बड़ी तल्ख रही है और सियासत में इंतकामी कार्रवाइयों का कभी अच्छा अंजाम नहीं निकला। सियासी जमातों ने माजी की इन तल्ख हकीकतों से सबक सीखा है और सियासी इंतकाम को दफन करके कौमी एजेंडे पर इत्तफाक राय की एक नई तारीख लिखी, जिसे मिसाक जमहूरियत कहते हैं। यही वो जज्बा और सोच थी कि अवाम के मुतालबे और आइनी तरीक़ेकार पर चलते हुए हमने जब 11 अप्रैल 2022 को हुकूमत की जिम्मेदारी संभाली, तो इसके बाद वो बदनुमा और जालिमाना तर्ज अमल हरगिज इख्तियार नहीं किया जो इमरान नियाजी के 4 साल के दौर में उन्होंने अपने सियासी मुखालफीन के साथ रवा रखा। आपको याद होगा कि गुज़श्ता 4 सालों में केस नहीं फेस देखा जाता था, यानी मुकदमा नहीं चेहरा देखा जाता था कि किसको जेल भिजवाना है और किसके साथ रायत बरतनी है। हकूमती वजीर एक दिन पहले बड़े जाओ जलाल के साथ ऐलान करते कि ऑपोजिशन का फलां लीडर कल गिरफ्तार हो जाएगा और वो अगले दिन गिरफ्तार हो जाता था। इमरान नियाजी ये कहते थे कि कल एक और विकेट गिरने वाली है और वो विकेट गिर जाती थी। कौमी असम्बली के ऐवान की पहली 2 कतारों में बैठने वाले तमाम लीडर्स जेलों में कैद थे, महज इल्जाम लगाने पर ही गिरफ्तारी हो जाती थी और कोई नोटिस लेने वाला नहीं था। राणा सनाउल्ला पर 15 किलो हेरोइन डाल दी गई, ये पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन वाक्या और दौर था। सिर्फ सियासी मुखालफीन ही नहीं, उनकी बेटियों, बहनों, बच्चों और अजीजों तक को माफ नहीं किया गया। अंधे सियासी इंतकाम की इस आग से मुल्क कौम की तरक्की का अमल बुरी तरह मुतासर हुआ। मेरे अजीज भाई और बहनों, इसी वजह से पूरे पाकिस्तान, खास तौर पर कारोबारी बरादरी और ब्यूरोक्रेसी को दरपेश मुश्किलात के पेश नजर ये असूली इत्तफाक राय बन गया कि नैब जैसे यकतरफा और जालिमाना कवानीन में तरामीम की जाएं। जब हम इस सिलसिले में निशानदेही करते थे तो ताना दिया जाता था कि ये ऑपोजिशन वाले NRO मांग रहे हैं। ताहम जिस तरह हमने ऑपोजिशन में रहते हुए फैटअप समेत दीगर कौमी अमूर पर एक कौमी सोच और रवैया अपनाया, नैब जैसे मसले पर भी हमने कानून, इंसाफ और मसाइल के हल की सोच अपनाई, तो जवाब में हम पर चोर और डाकू के इल्जाम के तीर बरसाए गए। पुराने नैब कानून के तहत 90 दिन के लिए किसी भी फर्द को उठा लिया जाता और जमानत नामुमकिन थी। इस जालिमाना नैब कानून में हमने तरमीम कराई, रिमांड की मुद्दत 90 दिन से कम करके कानून के मुताबिक सिर्फ 15 दिन कर दी,
यही कानून आला अदलिया के फैसलों की रोशनी में मुनसफाना अमल ठहरा। ये हमारी नेक नीति का अल्हम्दुलिल्लाह मुंह बोलता सबूत है कि आज नैब तरमीम का सबसे पहला बेनिफिशरी यानी जिसको फायदा हुआ है उसका नाम है इमरान नियाजी। मैं ये भी बात वाजे करता चला जाऊं कि हम और हमारे साथी आज भी नैब की पेशियां भुगत रहे हैं। हम पर जो इल्जामात लगाए गए थे उनमें से एक भी साबित नहीं हुआ। ये अल्लाह ताला का बेपाया फजल व कर्म है जिसका जितना शुक्र अदा करें वो कम है। और पाकिस्तान ही नहीं बरतानिया से भी तहकीकात करवाई गई, 40 साल का रिकॉर्ड खंगाला गया और खुदा के फजल व कर्म से मशहूर जमाना बरतानिया की नेशनल क्राइम्स एजेंसी ने हमें क्लीन चिट दी। ये हमारी इज्जत नहीं थी, ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की इज्जत में इजाफा हुआ। मेरे अजीज अहले पाकिस्तान, हमने कभी अदालत कानून का सामना करने से इनकार नहीं किया। हमने शदीद तहफ़ुज़ात और एतराज़ात के बावजूद भी कानून का सामना किया। कानून और अदालत के सामने पेश होते रहे। इस मुल्क के 3 बार मुंतखब होने वाले वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी बेगुनाह बेटी के हमरा इंतहाई बहादुरी के साथ 100 से ज़ायद नैब अदालत की पेशियां भुगती। हत्ता के हफ्ते वाले दिन भी वो नैब की पेशी में हाजिर होते रहे और बिस्तरे मर्ग पर आखिरी सांस लेती मेरी बड़ी बहन बेगम कुलसूम नवाज को छोड़ा और बेटी मरियम का हाथ पकड़कर जेल चले गए। मेरे भाई और बहनों, आज मैं 27 दिसंबर 2007 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की अरबनाक शहादत के वाक्य की भी मिसाल देना चाहता हूं। इस कौमी सहने के बाद बिलाशुबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत और कारकुनों ने जिस आला कौमी तर्ज अमल, सबर और तहमल और मिसाली हुबुल वतनी का मुजाहरा किया, इसका हमेशा एतराफ और तहसीन होती रहेगी और तारीख इस वाक्य को हमेशा के लिए सुनहरे हरूफ में याद रखेगी। खास तौर पर जनाब आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाकर न सिर्फ दुश्मनों के नापाक अजायम को खाक में मिला दिया था बल्कि ये वाज़े पैगाम भी दिया कि हमने कानून और जमहूरियत के जरिए आगे बढ़ना है और पाकिस्तान को तरक्की दिलवानी है। हमारे सामने ऐसी और भी कई मिसालें हैं जिसमें क्यादत और कारकुनों ने जज्बात के बजाय कानून और अदालत पर एतमाद किया। मेरे भाई और बहनों, कानून की हुक्मरानी का मतलब यही है कि आप कानून और अदालत में अपने हकूक की जंग लड़ें। सरकारी व निजी मुलाक को नुकसान पहुंचाना कतई दहशतगर्दाना अमल है बल्कि ये संगीन मुल्क दुश्मनी है। ये याद रहना चाहिए कि ताकतवर और कमजोर सब कानून के सामने बराबर हैं। यही दर्स इस्लाम का है और यही जमहूरियत का हुसन है। अजीज अहले वतन,
पीटीआई चेयरमैन इमरान नियाजी की गिरफ्तारी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के एक मुकदमे में हुई है। अलकादर ट्रस्ट केस के तमाम चवाहद सबूत मौजूद हैं जिस पर नैब इंक्वायरी कर रहा है। 190 मिलियन पाउंड के मामले यानी 60 अरब रुपए के मामले को कैसे लिफाफे में बंद करके काबीना से मंजूर कराया गया, ये एक संगीन सवाल है। काबीना को मुकम्मल तौर पर अंधेरे में रखा गया और बंद लिफाफे में जो कुछ भी था काबीना के किसी फर्द को नहीं दिखाया गया, लिहाजा ये काबीना का फैसला कैसे हो सकता है जब मामला कौमी खजाने के 60 अरब रुपए का हो, तो क्या इस्लाम कानून और जमहूरियत में कोई भी ये इजाजत दे सकता है कि मुल्जम अदालत और कानून का सामना करने से इनकार कर दे। मेरे भाई और बहनों, बतौर एक सियासी कारकुन किसी भी गिरफ्तारी पर हम बतौर एक सियासी कारकुन किसी भी गिरफ्तारी पर हम खुशी का इजहार नहीं कर सकते। ये यकीनन जिंदगी का एक तलख लम्हा होता है जिससे हम कई मर्तबा गुजर चुके हैं। ऐसे मराहल में असल किरदार क़यादत का होता है कि वो अपने कारकुनों को कानून की लकीर अबूर न करने दे, सरकारी व निजी इमलाक और जान की हिफाजत को यकीनी बनाने में अपना हिस्सा डाले। मगर सद अफसोस कि इमरान नियाजी और पीटीआई ने कानूनी तर्ज अमल इख्तियार करना तो दरकिनार, हसास सरकारी और निजी इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचाकर मुल्क दुश्मनी का नाकाबले माफी जुर्म किया। देखती आंख ने ऐसे दिलखराश मनाजर पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहले कभी नहीं देखे थे। अवाम को सड़कों और गाड़ियों में महसूर किया और उनकी जिंदगियों को खतरे में डाला, हत्ता के एम्बुलेंस से मरीजों को निकालकर उनकी गाड़ियों को आग लगा दी, निजी व सरकारी गाड़ियों को जलाया गया, सवात मोटरवे को जलाया गया, सरकारी हुकाम को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, हसास अमलाक और अमारात पर दुश्मन की तरह हमले किए गए, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ चंद सौ मुसल्ला जत्थे को उकसाने की इंतहाई घटिया और मजमूम हरकत की गई, शहदा और गाजियों की यादगारों की बेहुरमती करके पूरी कौम के दिल को जख्मी किया गया और ये मजमूम मुहिम अब तक जारी है। यानी 75 साल में जो काम पाकिस्तान का असली दुश्मन करने की जरूरत नहीं कर सका, इन दहशतगर्दों और मुल्क दुश्मनों ने कर दिखाया। अजीज अहले पाकिस्तान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान नियाजी की गिरफ्तारी के मामले पर नोटिस लिया और फिर अपने फैसले में करार दिया कि इमरान नियाजी की गिरफ्तारी कानूनी थी। ये फैसला इस अमर का सबूत है कि नैब ने कानून के मुताबिक कार्रवाई की। मैं पाकिस्तान के अवाम को खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने मुल्क दुश्मनी और दहशतगर्दी के पीटीआई के रवैयों को यकसर मुस्तरद किया और आईन और कानून का साथ दिया। मैं पुलिस, रेंजर्स, कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों और अफवाज पाकिस्तान को
خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور گولیاں بساتے جتھوں سے عوام کے جان و مال کا تحفظ کیا. میرے بھائیوں بزرگوں اور بہنوں, یہاں پر میں ان دہشت گردوں اور ملک دشمن عناصر کو خبردار کرتا ہوں کہ وہ ان ملک دشمن سرگرمیوں سے فل فور باز آ جائیں, ورنہ قانون ہاتھ میں لینے والے شر پسندوں کو آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا اور آئین اور قانون کے مطابق ان کو قرار واقع سزا ملے گی. پاکستان کی ریاست اور نظریے کی حفاظت ہمیں اپنی جان سے عزیز ہے اور انشاءاللہ کسی کو اس کے خلاف سازش نہیں کرنے دیں گے اور نہ ہی ان کے مذموم ایجنڈے کو کامیاب ہونے دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.